आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट आर क्वेश्चन Our question is who was the nationalist leader to be elected as the speaker of central legislative assembly in 1925 and our options are A मोतीलाल नेहरू बी विठल भाई पटेल सी वल्लभ भाई पटेल एंड डी सी आर दास लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 को कौन से नेशनलिस्ट लीडर को एज ए स्पीकर इलेक्ट किया गया था चुना गया था सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये एक लोअर हाउस थी ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सो so, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इट वॉज अ लोअर हाउस ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ऑफ एंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लेजिस्लेशर थी ब्रिटिश इंडिया का यह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको क्रिएट किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसको बनाया गया था ताकि जो आ, 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 एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्रिटिश गवर्नेंस था उसमें इंडियंस का थोड़ा रोल इसमें बढ़ सके उसकी जो गवर्नेंस में उसमें इंडियंस को भी शामिल किया जा सके एंड इट वाज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर्म रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको मॉन्टेग्यू क्लाइम्स फॉर्म क्लेम्स फॉर्म रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 145 मेंबर्स होते थे जो नॉमिनेटेड होते थे दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड सो देर वन फोर्टी फाइव ना अब बात करते हैं इसके speaker की, तो 1925 में जो स्पीकर इसके इलेक्ट किए गए थे जो सिलेक्ट किए गए थे वो थे वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल सो so, विट्ठल भाई पटेल ये इलेक्ट किए गए थे एज अ स्पीकर ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एज द स्पीकर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विठल भाई पटेल थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर